तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पुष्पेंद्र कुमार सागर विजय स्टूडियो हाथरस से यहाँ पर हम कथावाचक ज्ञान सिंह बौद्ध जी से आज रूबरू कराने जा रहे हैं। उनका बहुत हमने नाम सुना है, तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर कथा में हम इनसे मिलने आए हैं, गांव आजमपुर पटियाली के पास में है। हम ज्ञान सिंह बौद्ध जी से बात करते हैं। तो ज्ञान जी, आपका नाम ज्ञान सिंह बौद्ध जी है? हाँ, नाम तो ज्ञान सिंह बौद्ध ही है, लेकिन हमारे, मैंने सुना है कि आप रावड़ लगाने लगे हैं। जी जी, ज्ञान सिंह रावड़ जी लगाते हैं। जी जी, रावड़, रावड़ का मतलब है कि हमारे समाज के लोगों ने हमारे बड़े भाई जयदेव कुमार शास्त्री जी को मजबूर कर दिया, कुछ मनुवादी लोगों ने, कि तुम शास्त्री नहीं हो, रावड़ के गुणगान करते हो, इसलिए तुम रावड़ ही हो जाओ, लंका चले जाओ। तो हमने जो है अपने बड़े भाई जयदेव के नाम को सुना, और हमारे जयदेव भाई ने भी कहा अब मैं जयदेव रावड़ ही ठीक हूँ, और हमारे कथावाचक हैं वो भी अब रावड़ का ही रूप रहेंगे, क्योंकि रावड़ का अगर हम गुणगान ही कर रहे हैं तो हम रावड़ ही ठीक हैं। तो इसीलिए मैंने अपने नाम को ज्ञान सिंह बौद्ध घटा करके उसको रावड़ कर दिया है। तो यहाँ पर हम ज्ञान सिंह बौद्ध जी, हम इनसे आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। मनुवादी लोग रावड़ को एक बेकार आदमी और बताते हैं, तो क्या उसके बारे में बोलें? नहीं, रावण जो था बहुत बड़ा विद्वान था, और रावण जैसा व्यक्ति यहाँ नहीं हुआ आज तक, और इतिहासों से लेख ये मिलता है कि रावण जो था कि, तो रावण को तो ये मनुवादी लोग ब्राह्मण बताते हैं। नहीं, ब्राह्मण नहीं, जो विद्वान होता है वही ब्राह्मण होता है, जो वेदों की ज्ञाता होता है वही ब्राह्मण कहलाता है। रावण जो था वो बहुत विद्वान था, इसीलिए उसे ब्राह्मण का जो उपाधि भी लोग दे देते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं था। तो यहाँ पर आप 4 साल से कथा कर रहे हैं, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आप बता सकते हैं? आपकी कथा में सारे लोग आते हैं, तो क्या उनको कुछ महसूस होता है कि ज्ञान सिंह बौद्ध की हम कथा सुन के कुछ हम संदेश लें उनसे? जी हाँ, मैं आज 4थी बार आया हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, कथा कराते हैं, और कुछ परिवर्तन भी मुझे दिखाई दे रहा है इस गांव में। लोग बहुत अच्छे हैं, समझदारी से कथा सुनते हैं, और समझदारी से इकट्ठे होते हैं। कथा समय से प्रारंभ होती है, तो उस समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी लोग यानी मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, और इस बातों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, और लोगों में परिवर्तन भी हो रहा है। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था तो मैंने देखा था यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने शराबा कबाबी लोग देखे थे, लेकिन अब जो है लोग कुछ शराब को छोड़ करके और धम की ओर आ रहे हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी कि बाबा साहब की थोड़ा सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर दारू को छोड़कर मैंने बहुत से सारे लोगों गांव में देखा है कि दारू जुआ वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ज्ञान सिंह बौद्ध जी बता रहे कि दारू जुआ से थोड़ा दूर हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर और लोगों के ये सारे महिलाएँ वगैरह हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं? नहीं जी, महिलाएँ भी अच्छी तरह कथाएं सुन रही हैं, और जब मैं वार्तालाप सुनता हूं, महिलाएं जहाँ खड़ी होती हैं तो बताती हैं कि हम जो है आज तक अंधविश्वास की ओर बढ़े रहे, अब हमें अंधविश्वास छोड़ना चाहिए। कि आप जो कथा सुनने से हमें कुछ प्रेरणा मिली है, कि जो हमारे गांव में 4थी बार कथा हो रही है, इससे सुनने से हमें यही शिक्षा मिली कि हम जो अंधविश्वास की ओर थे अब मिशन की ओर आएँ, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्मान दिया है, भारत के संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, हम बाबा साहब को देवता का रूप मानते हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर और हमारे यूट्यूबर्स को एक ज्ञान का भंडार खोलेंगे कि अपने बाबा साहब के विचार थोड़े हमारे बताएंगे कि दही देवता को हमें मानना चाहिए या बाबा साहब को मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यूट्यूबर्स को बताइए कि क्या है। नहीं देखिए, ये जिसकी श्रद्धा जैसी हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप देवता मत मानिए, अगर आपका पत्थर से भला हो जाता है तो पत्थर को आप मानिए, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के रास्ते पर मैं चला हूँ, तो मुझे ज्ञान यही हुआ है कि जहाँ बुद्ध ने भी यहीं तक कहा है कि जिस इंसान का अगर किसी पत्थर से भला हो जाता तो पत्थर को मानिए, अगर पत्थर से तुम्हारा भला नहीं होता तो आपका समय का व्यर्थ है, व्यर्थ गमाना, और जो है समाज में जो नरक जिंदगी जी रहे हैं वो इसी प्रकार से हम लोग जी रहे हैं कि हम पाखंड की ओर बढ़े हुए थे।
तो ज्ञान सिंह बौद्ध जी, हमारे हम आपसे एक सीख लेते हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बोली थी, उनके बारे में हमारे सभी दर्शकों को दिखाएंगे। बताओ आप कि 22 प्रतिज्ञा में हमें क्या ब्राह्मण को या ब्रह्मा को या विष्णु को या किसी को हमें मानना चाहिए कि नहीं, या बाबा साहब को ही मानना चाहिए? बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञा थी, उनके बारे में थोड़ा बताइए जी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय 22 प्रतिज्ञाएँ नागपुर की दीक्षा भूमि पर की थी, और वहाँ एक नहीं हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित थे। बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिल रहा था, मानवता नहीं मिल रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म ही ऐसा एक धम्म देखा जिसमें मानवता दिखाई दे रही थी, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा उस समय की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत बहुत अत्याचार हुए, बाबा साहब को विद्यालय के अंदर भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, यानी छूत का भेद बहुत ये भारत देश में व्याप्त था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को यही प्रेरणा मिली थी उससे कि मैं जो है अब आगे भगवान या किसी ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु होता तो मेरा अवश्य ही कल्याण होता, इसलिए मैं भारत देश में ज़रूर हूँ, लेकिन इस भारत देश की जो रूढ़ियाँ हैं उसे देख करके मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मनुष्य एक हो सकते हैं। इसी को देख करके अपने समाज को, वैसे तो अन्य लोगों ने कहा कि मुस्लिम बन जाओ, कोई कहता हिंदू बन जाओ, कोई कहता सिख ईसाई बन जाओ, बाबा साहब ने कहा मैं सबको जवाब दूंगा। तो नागपुर की दीक्षा भूमि में जा करके धम्म ऐसा देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि धम्म में सभी मनुष्य एक समान थे। बुद्ध ने नारा भी लगाया था, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव सब एक समान, तो मानव एक समान दिखाई दिए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लेकर के और भगवान बुद्ध को अपना प्रथम गुरु माना और 22 प्रतिज्ञाएँ की। बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे तो बहुत ही त्याग किया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, प्रतिज्ञा इनकी पहली रही थी। कृष्ण भगवान को मैं कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि इतने अवतार रहे हैं, प्रतिज्ञा तो 22 हैं। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ कि जितने भी प्रभु हुए, जितने भगवान हुए, किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अच्छा नहीं किया। अगर साथ ये भगवान होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को शायद मैं जानता हूँ कि स्कूल के अंदर पढ़ने का मौका मिल जाता, अगर इनके अंदर कुछ शक्तियाँ होती तो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को ठोकर मार के और बौद्ध बन गए। तो आप जो युवा बच्चे हैं, युवा हैं जो भी भाई हमारे, तो उनको शिक्षा के आप भाइयों को क्या कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए उन्हें, क्या करना चाहिए उन्हें, बताइए हमारे। जी जी पुष्पेंद्र जी, हमारे समाज में हमारे बच्चों को, आप शिक्षा की ओर की बात करेंगे तो हमारे बच्चों को शिक्षा से रोका जाता था, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा से बहुत कुछ किया था। आज बाबा साहब अम्बेडकर को विदेशों में जान रहे हैं लोग, वो शिक्षा की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर की विदेशों में पूजा हो रही, शिक्षा की देन है। इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहला मूल मंत्र दिया था, आप शिक्षित होइए। तो सभी से मेरा यही कहना भी है और मैं लोगों को यही प्रेरणा देता हूं कि आप बच्चों को शिक्षित कीजिए। जो बच्चा शिक्षित हो जाता है वो किसी के बंधन में नहीं रहेगा, बदुआ मजदूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो शिक्षित होता है वो अपना हुनर ढूंढेगा और नौकरी खोजेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए शिक्षा को मूल मंत्र जो है सबसे ज़्यादा उत्तम बताया है, और शिक्षा प्राप्त करने से तुम्हारा बच्चा अधिकारी, कलेक्टर, DM, SP बन जाएगा, तो आपका जो है संघर्ष, संगठन मजबूत रहेगा और संघर्ष आसान हो जाएगा। आपसे ज्ञान सिंह जी हम बात करते हैं कि आप ये मिशन में काम कर रहे हैं कि या प्रचार क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए जी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का, मैंने ये संकल्प लिया है बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपका सच्चा सिपाही हूँ और आपका कार्य आगे ले जाऊँगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसे मैंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 में जब आगरा आए थे तो आंसुओं से रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर, इसीलिए रोए थे कि मेरा पढ़ा लिखा समाज हमें धोखा दे गया। तो यहाँ पर मैंने सुना है बहुत से कथावाचक हैं, वो पैसा के लिए ही कथा करने के लिए जाते हैं अथवा नहीं मिशन में काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप हमारे सभी कथावाचकों को बोलेंगे, जो बहुत कथावाचक हैं उनको थोड़ा बताएंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जी ऐसा है पुष्पेंद्र जी, देखिए जिसकी जैसी श्रद्धा है, जो जिसकी भावनाएं हैं वो वैसा करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, जो जैसा करे कर सकता है,
संविधान में सभी मनुष्यों को एक समान बता करके बाबा साहब ने सबको एक सम्मान किया है। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई पैसा लेकर कथा कहे या ना कहे, लेकिन मैंने अपने आप को समाज में बेचा नहीं है। मैं धर्म का प्रचार करता हूँ और मुझे जैसे भी मुझे मेरा समाज मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ समाज में और जाकर अपने भगवान बुद्ध बाबा साहब का गुणगान करता हूँ, लोगों को मिशन की ओर लाता हूँ। वैसे ज्ञान सिंह जी, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आपसे बहुत मिलकर। मैंने बहुत नाम सुना था इनका, मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि मैं ज्ञान सिंह बौद्ध जी से मिलूं। उनने एक काम बहुत अच्छा किया है कि अपने नाम के पीछे रावण लगाया है, तो मुझे बहुत खुशी है। तो और यहाँ पर सभी दर्शकों से हम मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।